नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्य और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बैगा आदिवासी महिलाओं को समूहों के माध्यम से जोड़कर प्रशिक्षण देकर पशुपालन व्यवसाय में जोड़ने तथा आय बढ़ाने, उनकी आर्थिक सुधार करने के लिए पशुपालन योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही है। शेड निर्माण होने के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी बैगा महिलाओं को बकरी नहीं मिली है। बता दें कि विकासखंड भरतपुर के ग्राम उचेहरा व बहरासी में पशुधन विकास विभाग ने वर्ष 2017 व 18 में महिला समूह को बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया था। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र बैकुंठपुर को पशु भवन निर्माण और समूह को उच्च नस्ल की बकरी देने का दायित्व दिया गया था, लेकिन उच्च नस्ल की बकरी देना तो दूर, देसी बकरी तक समूह को नहीं दी गई। एक तरफ शासन महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहा है तो वही दूसरी तरफ योजना में पलीता लगता नजर आ रहा है। 3 साल से बने हैं बकरी पालन, बाकी में कुछ मतलब न्यूज नहीं है दादा, ना कुछ आई से कब बने इतना वहाँ ढंग से, ना बोर खुदाए गए, ना बिजली तार लगे, ना का कहते हैं बोर में वगड़ुआ कहते रहे, का बोलते हैं वही, अरे प्लेट कहाँ गड़वाओ, तो नसूर प्लेट गड़वाए, ना तार बिजली खम्भता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वहाँ कुछ देख रेख में आए लौट के, इतने दिन तक हो गए हैं। ग्राम उचेहरा में वर्ष 2017-18 में बकरी पालन प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत करवाया गया था। प्रशिक्षण उपरांत कृषि विज्ञान केंद्र बैकुंठपुर को निर्माण एजेंसी के रूप में बकरी के लिए भवन, और बकरी भवन बनने के बाद उसमें जो है बकरियाँ देना था। ये चूँकि हमारे पशुपालन पशुधन विकास विभाग का प्रकरण नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है केवल प्रशिक्षण दिए और निर्माण एजेंसी और बकरी वितरण का काम जो है कृषि विज्ञान केंद्र बैकुंठपुर का है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।